अगर आप गाड़ी से ट्रेवल करोगे तो आपको मजा कुछ और ही आ गया, लेवल कुछ और होगा इस चीज का। हम लोग हैं पीएच नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। पीएच नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है और हाईली डेंस एरिया है वाइल्ड एनिमल्स के लिए। तो आप देखोगे कि इस पूरे ये जो हाईवे है इसके दोनों साइड इस तरीके से कैचमेंट्स बनाए हुए हैं ग्रीन कलर के, ताकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो हाईवे पे ना आए और कुछ मिसअप नहीं ना हो। ये पूरा जो कैचमेंट आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर से, ये हाईवे के दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। गाइस ये जो आप छोटे छोटे ब्रेक गैप्स देख रहे हो इस पूरे कैचमेंट एरिया में, ये जो स्मॉल स्मॉल सेक्शंस बना रखे हैं उन्होंने, और इसका सिंपल सा यूज है कि जानवर क्रॉस कर पाए। कई जगह अंडरपास भी है, कई जगह पुल भी बनाया हुआ है इस पूरे कैचमेंट में, और इस तरीके से छोटे छोटे ब्रेकर्स या आप बोल सकते हो गैप्स दे रखे हैं ताकि वाइल्ड एनिमल क्रॉस कर सके।
सो अभी हम पीच नेशनल पार्क क्रॉस कर चुके हैं और नागपुर यहाँ से लगभग लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर अभी हम रुके हुए हैं इस ढाबे पे रात के डिनर के लिए। ये ढाबा पेंच नेशनल पार्क है, आप जैसे क्रॉस करोगे उसके बाद ये पड़ता है और इस ढाबे का नाम है गुरुजी की रसोई। अच्छा बना हुआ है ये ढाबा, आउटडोर सिटिंग है, थोड़ा वुडन स्कॉटिश स्टाइल सिटिंग है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। लेट्स सी, तो अगर आप इस टूर पे आ रहे हो तो यहाँ पे आइए, वाइब अच्छी है और फूड भी अच्छा है। सो गाइस, रात के लगभग 11 बजे के आसपास हम नागपुर पहुंच गए थे और नागपुर में हमने होटल लिया था, एक रात का स्टे किया था। सो अगली वीडियो में हम आपको उसके बारे में बताएंगे और नागपुर में हमने क्या एक्सप्लोर किया, व्हाट एल्स वी हैव डन, वो आपको बताएंगे और आगे का प्लानिंग बताएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू सो मच।